वेलकम बच्चों, आज मैं लेक्चर 6 लूंगा आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का लेक्चर 6 है। इस लेक्चर 6 में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हम इसकी बात करेंगे कि हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका यूज़, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं और पूरी इंडस्ट्री में, पूरी साइंस में कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जो हाइड्रोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन। अब जो बहुत ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, साथ के साथ इसका मोलर मास भी बहुत कम होता है, वेरी लो और वेरी लेस मोलर मास, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। साथ के साथ एक चीज़ और हो जाती है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच, सिंगल बॉन्ड एच, ये 104 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है। जो बहुत बहुत कम बॉन्ड एनर्जी है, बहुत बहुत कम मोलर मास है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, यानी इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज़ क्या होता है। ये जो तीन प्रॉपर्टीज इसके पास हैं हाइड्रोजन के पास, किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, मोलर मास काफ़ी कम होता है, बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाएगा। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक फ्लूड बनाने में। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक फ्लूड बनाने में। ये क्रायोजेनिक फ्लूड होता क्या चीज़ है, इस क्रायोजेनिक फ्लूड का क्या, आखिर क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, और फिर ये फ्यूल यूज़ होता है कैसा, रॉकेट फ्यूल। हम रॉकेट में फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर आपको एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ठीक है भाई, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मोलर मास इसका बहुत कम है, बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत कम है, तो इसका यूज़ क्या होता है। एक यूज़ है क्रायोजेनिक फ्लूड बनाने में। अब ये क्रायोजेनिक फ्लूड क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक होता है रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट जिससे हम स्पेस क्राफ्ट एटसेट्रा को लॉन्च करते हैं, जो रॉकेट चलते हैं स्पेस में जाते हैं, उनके फ्यूल को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो आपके पास है क्रायोजेनिक फ्लूड, ये क्रायोजेनिक फ्लूड क्या होता है, कुछ ऐसे गैसेस हैं जो बहुत बहुत, जैसे कि माइनस में जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में चला जाता है, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होते हैं उनका इस्तेमाल हम रिसर्च में करते हैं, क्या पूरे सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और जिन लिक्विड्स का इस्तेमाल, जो बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम स्टोरेज के लिए और फिर रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए करते हैं,
कोई मान लो कोई आपको ऐसी रिसर्च करनी है, कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जो -90 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो फिर क्या करोगे? एग्जाम्पल लो, अभी जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन्स बन रही हैं, तो जो वैक्सीन्स बन रही हैं, जैसे फाइजर की वैक्सीन है, वो फाइजर की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है। अभी -20, -18 तो उसके स्टोरेज के लिए चाहिए। तो ऐसे केस में जहां पर बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये क्रायोजेनिक फ्लूड है, ये क्या चीज है? ये लिक्विड है। लिक्विड मैं बिल्कुल लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड विच हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली -90 डिग्री सेल्सियस और बिलो देन दिस आर यूज्ड फॉर फ्रीजिंग पर्पज एंड रिसर्च वर्क दीज लिक्विड्स आर कॉल्ड व्हाट क्रायोजेनिक लिक्विड्स और क्रायोजेनिक फ्लूड। तो ये जो है क्रायोजेनिक लिक्विड या फिर क्रायोजेनिक फ्लूड के रूप में इसको हम इसकी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम इस लिक्विड हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हम इसका क्रायोजेनिक लिक्विड या फिर क्रायोजेनिक फ्लूड इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कहेंगे लिक्विड हाइड्रोजन इसका एग्जाम्पल है। तो लिक्विड हाइड्रोजन को हम क्रायोजेनिक फ्लूड के रूप में, क्रायोजेनिक फ्लूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको इसका सीधा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोरोना जो वैक्सीन्स बन रही हैं, इनको बनाने में, अब कोरोना वैक्सीन है उसके लिए क्या चाहिए? मान लो कहीं पर आपको टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वहां पर -70 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंचा जाए भाई? उसके लिए आपको लिक्विड हाइड्रोजन का एनवायरमेंट चाहिए, तब जाकर के वो इतनी ज्यादा ठंडी होगी। तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसका लो बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो जो लो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस बात के लिए सुटेबल है कि हाँ क्रायोजेनिक फ्लूड बनाए जाएं, क्रायोजेनिक लिक्विड्स बनाए जाएं। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाँ क्रायोजेनिक लिक्विड्स, क्रायोजेनिक फ्लूड्स बनाए जाएं। एक इसका इस्तेमाल, अब दूसरा इस्तेमाल देखो, जो रॉकेट फ्यूल्स हैं, रॉकेट फ्यूल्स में हम इसको यूज करेंगे। किसे? लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल की तरह से करेंगे। तो दूसरा इसका यूज है रॉकेट फ्यूल। अब ये रॉकेट फ्यूल में कैसे इस्तेमाल होगा भाई? पहले तो मैं रॉकेट फ्यूल बता ही दूं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल हम रॉकेट फ्यूल की तरह करेंगे। भाई सब देखो ना, जो हाइड्रोजन है इसका मोलर मास बहुत बहुत कम है, इसका मोलर मास लो है, लो मोलर मास है। इसका मतलब है इसको ढोने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मोलर मास कम है, बहुत हल्की है। दूसरी बात,
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन डालो, स्टार्ट। दूसरी बात, जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी काफ़ी कम है, कितनी है भाई 104 जो अभी मैंने लिखवाई है 104 बॉन्ड एनर्जी कुछ खास नहीं होती है, यानी कि ये इजीली तोड़ी जा सकती है। तो जो रॉकेट होता है जिसे हम ले जाते हैं तो वहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, फेवरेबल है जी, मोलर मास कम, फेवरेबल है जी। एक बात मैं आपको बता दूं, नासा 70s से ही नासा जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से 70s में ही कर रहा है, 1970 या उससे पहले से कर रहा है इसका इस्तेमाल, अपने रॉकेट्स में खूब कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है। रसिया ने इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया था, उसने 10-12 साल बाद आकर के इस्तेमाल करने लग गया। नासा आज भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी आगे है, अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम, अमेरिकन सैटेलाइट रिसर्च काफ़ी आगे पहुंच गई है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।